हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका गेमिंग सॉल्यूशंस के एक और नए एपिसोड में। इन वाली वीडियोस में मैं आपके ही पूछे गए कुछ गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करता हूं। कोई भी क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं पूछा तो कमेंट सेक्शन में #GS यूज़ करके आप पूछ सकते हो। दो चीज़ों का ध्यान रखना, #GS यूज़ करना ज़रूरी है और दूसरा कोई भी पर्सनल क्वेश्चन ना हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड ही आंसर करता हूं मैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इस बड़ी वीडियो का लाइक एम रखा हुआ है 15,000 लाइक्स का, और अगर 25,000 लाइक्स आ जाते हैं तो काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि ये जो लॉजिटेक का G29 है ना स्टेयरिंग व्हील, क्या ये PS5 के साथ चलता है या नहीं चलता है। वैसे सच बताऊँ तो मैंने भी चेक नहीं किया, बट अगर 25,000 लाइक्स हो जाते हैं तो आने वाली वीडियोज़ में मैं इसको अपने PS5 के साथ टेस्ट करूँगा और फिर आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा कि काम करता है नहीं करता है, और करता भी है तो कैसे करता है, ठीक है जी। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल गेमिंग YT ने, भाई PSP इन 2021 कैन वी बाय PSP सेकंड हैंड CD सेकंड हैंड PSP, प्राइस क्या है। और मतलब यही पूछ रहे कि इस टाइम पे देखो PSP आपको पता ही है ऑफिशियली सोनी की तरफ से डिसकंटिन्यू हो गया है, तो नया तो नहीं मिलने वाला है, बट हाँ सेकंड हैंड आपको मिल जाएगा। दिल्ली की काफी सारी मार्केट्स है, जैसे चांदनी चौक हो गया, करोल बाग हो गया, यहाँ पे सेकंड हैंड PSP मिल जाते हैं 1800, 2000, 2500, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। ज़्यादातर कंडीशन थोड़ी ख़राब ही मिलती है, स्क्रैचेस वगैरह मिलते हैं। बाकी आप जाकर खुद देखो जो पीस आपको अच्छा लगे, 4-5 दुकानों पे जाओ अलग अलग, बट हाँ मिल जाएगा 2,500 के आसपास। और उनके जो वो होते ना कार्ड होते हैं, मतलब डिस्क होती है सॉरी, वो भी मिल जाती है, बट आजकल कोई डिस्क यूज़ नहीं करता, सब लोग मेमोरी कार्ड में जो है गेम्स भरवा लेते हैं और मज़े से खेलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है था बीस्ट घोष ने, माई बजट इज 70K, सो शुड आई बाय अ गेमिंग लैपटॉप और गेमिंग PC। 70,000 के बजट में गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग PC, मैं आपको सजेस्ट करूँगा गेमिंग PC लो, क्योंकि जो गेमिंग PC आपको 70,000 के बजट में परफॉर्मेंस दे सकता है ना, वो गेमिंग लैपटॉप आपको कभी नहीं दे पाएगा। ऊपर से हीटिंग प्रॉब्लम होती है लैपटॉप में, तो मेरा हमेशा से ना शुरू से सजेशन यही रहा है कि गेमिंग PC लो। अगर लैपटॉप भी लेते हो तो वो बहुत हाई एंड वाले हो जाते हैं, 2-2.5 लाख रुपए वाले, बट वो फिर बात वही है भारी इतने हो जाते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस मान पूछोगे तो गेमिंग PC है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है वंश गेमर ने, ब्रो एक क्वेश्चन था कि GTA 5 आईफोन के 512 GB वाले फोन में चलेगी या नहीं चलेगी। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे 512 GB हो, चाहे 10 GB हो, 12 GB हो, जितना मर्जी GB हो, चाहे TV में क्यों ना हो, GTA 5 कोई भी मोबाइल डिवाइस के लिए नहीं बनी हुई है। मुझे नहीं पता कब तक आएगी, पर जो GTA 5 है वो बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक्स डिमांड करती है, तो इतना पोटेंशियल फोन्स में तो नहीं है कि वो रन कर पाए, तो स्पेस से तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता, मेन हार्डवेयर होता है प्रोसेसर वगैरह, नहीं अभी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया लौकिक सावंत की तरफ से, भाई PS5 डिजिटल में स्टोरेज के लिए एक्सटर्नल SSD लगा सकते हैं क्या। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरा फिजिकल डिस्क वाला है PS5, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता डिजिटल है या फिजिकल है, उसमें SSD का ना स्लॉट तो है, बट सोनी की तरफ से अभी ना कोई अपडेट नहीं दिया गया है जिसकी वजह से SSD उसमें काम करे। मैंने क्रूशियल की SSD लगा के देखी थी P1 1 TB वाली, बट वो काम नहीं करी। PlayStation 5 ऑन होता है बट वो स्क्रीन पे अटक जाता है लोडिंग वाली पे, वहाँ लिखा आता है कि हार्डवेयर चेंज करके कुछ, वो आप वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वाओ स्किन साइंस के अनियन रेंज के बारे में। ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है जो कि के ये कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ आता है, इसकी हेल्प से आप अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हो एंड ऑयल अच्छे से आपके रूट्स तक पहुंच जाता है। बाकी इसके अंदर है अनियन ब्लैक सीड ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड ओलिव ऑयल, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और साथ ही साथ अच्छे से नरिश भी करता है। ऑयलिंग करने के बाद मैं यूज करता हूँ वाओ का अनियन शैम्पू, ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ आपके वीक हेयर्स को स्ट्रेंथन करता है। और आज मैं ये जो वाओ का कंडीशनर है इसको स्किप करके हेयर मास्क यूज करने वाला हूँ, और मैं भी आपको कहूंगा कि वीकली हेयर मास्क यूज करना चाहिए बिल्कुल। इसको बालों पे लगाने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ देना आपको। सब कुछ करने के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया और अब आप देख ही सकते हो मेरे हेयर्स को। ये हेयर मास्क ना आपके बालों को डीपली नरिश करता है और साथ ही साथ हेयर की स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव कर देता है। वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपको पता ही है किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता, जैसे कि सिलिकॉन, सल्फेट, पैराबेंस वगैरह। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और स्क्रीन पे कूपन कोड भी है अनमोल जायसवाल, ये यूज करके आप 30% डिस्काउंट पा सकते हो इनकी वेबसाइट एंड ऐप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गेमिंग गुरु ने, व्हाट प्राइस वी शुड पे फॉर PS3 इन 2021 एंड कैन वी यूज PS3 विदाउट इंटरनेट। भाई PS3 इस टाइम पे 9,500-10,000 स्टॉक पे डिमांड करता है, 11,000 की भी मिल जाती है अच्छी कंडीशन वाली, वो भी गेम्स वेम्स लोड करी हुई, अब डिस्क वगैरह कोई खेलता नहीं है। हालांकि पायरेसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट भाई जो मार्केट में चल रहा है मैं तो आपको वही बता रहा हूँ। पर्सनली मैं तो हमेशा से डिस्क खरीदता आया हूँ, तो आगे भी खरीदूंगा ही, बाकी जिसका जैसा बजट होता है उसके हिसाब से मिल जाती है। इसके अलावा इन्होंने पूछा कि विदाउट इंटरनेट काम करेगी या नहीं, बिल्कुल करती है भाई, जो जेल ब्रेक वाली है वो तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेट के साथ चलेगी नहीं, और वैसे भी बिना जेल ब्रेक वाली भी है तब भी वो खेल सकते हो आप, बस अपडेट वगैरह करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है,
नॉर्मल गेमिंग हो जाती है विदाउट इंटरनेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूवी वेज ने, आई एम गोइंग टू बाय अ सेकंड हैंड प्लेस्टेशन आफ्टर माय क्लास 10th, विच वुड बी बेटर PS3 और PS4? बजट इन्होंने लिखा 10,000 से 15,000। मेरे हिसाब से 15,000 तक में आपको PS4 सेकेंड हैंड मिल जाएगी। PS5 तो खैर कहाँ ही मिलनी है। तो अगर अभी तक आपने कोई भी कंसोल नहीं लिया तो बिल्कुल आँख बंद करके भाई PS4 ही लो, बट देख लेना अच्छी कंडीशन में, ऐसा ना हो सस्ते के चक्कर में दो दिन बाद ही रोते डोलोगे भैया खराब हो गया। तो थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार ऊपर भी डालने हो तो लगा देना 16-17 हज़ार की, बट अच्छी कंडीशन वाली लेना। हालांकि नई भी अब 25-26 हज़ार में मिल जाती है, पर बजट नहीं है तो खैर पुरानी लो फिर। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कानव ने, ब्रो आपको सबसे अच्छी कौन सी GTA लगती है? दिस इज माय क्वेश्चन। सबसे अच्छी यार मेरे को GTA 5 ही लगती है, ऑब्वियसली बात है, इसमें तो पूछने वाले कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टोरी लाइन हो, ग्राफिक्स हो, मोड्स वोड्स इंस्टॉल करने के ऑप्शन हो, सब कुछ मस्त है। तो GTA 5 हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, जब GTA 6 आ जाएगी तब देखेंगे। अगला क्वेश्चन मयंक शर्मा ने पूछा है, क्या ये मेरा दोस्त मयंक है? हेलो ब्रो, मुझे ये पूछना था कि आप PS3 लेने के बाद और गेम्स की डिस्क लेने के बाद कोई पैसा लगता है क्या? अच्छा, तो PS3 लेने के बाद आप डिस्क भी खरीदोगे या फिर लोडेड वाला लोगे तो उसके बाद ऐसा कोई पैसा नहीं लगता, बट हाँ आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाता है वो तो आपको फिर बदलना ही पड़ेगा। तो ऐसा मतलब पैसों का सीन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कंसोल को यूज़ करते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है AK Lips ने, सर आई हैव अ डाउट, अगर हम PS5 ले बिना डिस्क वाला तो उसमें GTA 5 कैसे डाउनलोड करेंगे और GTA ऑनलाइन? अरे भाई देखो, अगर आप PS5 डिजिटल वाला वेरिएंट लेते हो ना तो उसमें PlayStation स्टोर होता है, वहीं से आपको परचेज करनी पड़ती है गेम्स और वहीं से ही डाउनलोड हो जाती है इंटरनेट से। यही अगर आपके पास फिजिकल डिस्क वाला है तो उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, आप डिस्क भी लगा सकते हो या फिर आपको प्लेस्टेशन स्टोर से खरीदना है तो वहाँ से खरीद के भी डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है टेक हैकर ने, मैं अपनी गेमिंग जर्नी किससे स्टार्ट करूँ, लाइक कंप्यूटर और प्लेस्टेशन? गेमिंग जर्नी डिपेंड करता है यार आपका बजट कितना। अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो आप PC लो भाई, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है PC में खेलने के लिए। बट अगर आपका बजट इशू है तो आप PS3 भी ले सकते हो, PS4 भी ले सकते हो, PS5 भी ले सकते हो। 50,000 का बजट है तो उस बजट में PC तो आने से रहा अच्छा, तो इसलिए PS5 ले लेना, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है करण GTA 5 गेमर ने, टेल मी GTA 5 वर्सेज रेड डेड रिडेम्पशन 2। भाई दोनों ही अलग गेम है बिल्कुल। GTA 5 बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो आज के साल को देख के बनाई गई है कि अभी लेटेस्ट गाड़ियाँ है उसमें, बढ़िया बढ़िया सारे मोड्स है, असली लैम्बोर्गिनी वगैरह डाल सकते हो। और जो रेड डेड है वो भाई पुराने ज़माने का, उसमें पूरा दिखाया गया कि घोड़ा गाड़ी चल रही है, समझ रहे हो ना, मतलब गाँव है पूरे और गैंग बनी हुई है उस तरह की। तो दोनों अलग है, बट मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मुझे GTA 5 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसी कार्स वगैरह चलाने का ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू भाई घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चलाऊँ। बट रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी एक नंबर गेम है, मैंने खेली हुई है, बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन है, ओपन वर्ल्ड है, मज़ा आ जाएगा आपको। और फिर से मैं कह रहा हूँ दोनों अलग है, कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं GTA 5 ही चूज़ करूँगा। सेंटिनेंट FN पूछते हैं, एनी चीप एंड गुड PC फॉर सेम प्राइस ऑफ PS4 स्लिम और PS5? नहीं भाई, PS4 जिस प्राइस रेंज में आपको मिलता है ना, उस प्राइस रेंज में कोई भी PC वैसी परफॉर्मेंस आपको कभी भी नहीं दे पाएगा। फ्यूचर में दे दे तो पता नहीं भाई, अभी नहीं दे पाएगा लेकिन। और PS5 भी 50,000 का तो मैंने बता ही दिया, 50,000 में भी PC एज सच कोई अच्छा आपको मिलेगा नहीं। तो 25-26 हज़ार का PS4 ले लो, PC कहाँ लोगे उतने में। अगला क्वेश्चन पूछा मिस्टर इलेक्ट्रिक्स ने, ब्रो इज PS4 स्टिल वर्थ बाइंग इन 2021? बिल्कुल भाई, अगर आपका बजट ही 25-26 हज़ार का है तो मैं फिर से कहूँगा PS4 जैसा कोई कंसोल नहीं है, मतलब PC भी नहीं है 26,000 में, तो बिल्कुल वर्थ है। बाकी बजट इशू नहीं है तो फिर तो PS5 लो, और अगर उतना भी बजट इशू नहीं है फिर तो PC लो तगड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कैप्टन पोलाइट ने, भैया आई एम न्यू टू YouTube एंड विच गेम शुड आई अपलोड टू ग्रो, और शुड आई अपलोड और शुड आई स्ट्रीम? अच्छा, ये पूछ रहा है कि ग्रो करने के लिए कौन सी गेम्स खेलूँ। भाई सच बात बताता हूँ, एक इंडिया में ना ऐसा सीन है कि गेमिंग कम्युनिटी ना अभी स्टार्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा फैली नहीं है। हालांकि बहुत यूट्यूबर्स के पास सब्सक्राइबर्स है बहुत सारे, बट आप ध्यान देना कि दो तरह के यूट्यूबर्स गेमिंग में फेमस हुए हैं। एक जो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैरी मिनाटी हो गया, अमित पैट हो गया, मतलब ये गेमिंग से हटके भी ना कुछ वीडियोस में अपना करते हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, समझ रहे हो। उनको खाली, उनके जो ऑडियंस है ना वो खाली गेम्स देखने वाली नहीं है, एक्चुअल में वो फनी कॉन्टेंट भी बनाते हैं या अलग जो भी आप समझ सकते हो। दूसरे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर गेम की वजह से ही फेमस होते हैं, जैसे मैं AJ गेमिंग पे फेमस हुआ था GTA 5 की वजह से, और वो भी ऐसे नहीं कि मैं सिंपल GTA 5 बना रहा हूँ, भाई वो लाखों लोग बना रहे हैं। मैंने कुछ अलग किया था उस टाइम पे कि मैं स्टोरी मोड्स लाया था, मैंने मोड्स डाल के नई नई स्टोरी बनाई, और उस टाइम पे गिनती के 2-3 इंडियंस होंगे हिंदी में जो बनाते थे मोड्स के साथ स्टोरीज। मतलब लोग मोड तो खेलते थे कि सुपरमैन दिखा दिया, स्पाइडरमैन दिखा दिया उसमें लाके, बट कोई भी ना रियल स्टोरी नहीं बनाता था। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया ना तो वो नया नया सा था, इसलिए मैं फेमस हो पाया।
तो मैं आपको यही करूँगा, कहूँगा कि जो भी आप गेम खेलो ना, थोड़ा कुछ उसमें डिफरेंस लाओ। ये नहीं कि कोई भी गेम खोल के स्ट्रीम करना शुरू कर दे, फिर बाद में दुनिया को वो कहोगे कि मेरा चैनल नहीं चल रहा, सपोर्ट नहीं करता कोई। कुछ अलग करो भाई, तभी तो चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। चलो जी फिर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए मैंने। कोई आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी 25,000 लाइक्स का एम पता है ना, वो हो जाएगा अपना स्टेयरिंग व्हील वाला। और वाओ के प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। बाय बाय।